तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको होम थिएटर में ब्लूटूथ लगाना सिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल ट्रिक होने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि होम थिएटर हमारे पास कौन सा इंडेक्स कंपनी का है, और ये होम थिएटर बहुत पुराना है। आप में से कई लोगों ने इस होम थिएटर को इस्तेमाल भी किया होगा और शायद देखा भी होगा, या फिर आपके आस पड़ोस में बहुत लोगों ने इसको, है ना, इस्तेमाल भी किया होगा। अगर आपकी कोई मेमोरी इस होम थिएटर की है तो बताना मुझे कमेंट करके। और पहले जितने भी इस टाइप के होम थिएटर आते थे ना, इंडेक्स कंपनी को बहुत ही जोरदार हुआ करते थे। और इसमें एक खास बात ये होती थी कि भाई ये सिर्फ AUX से ही चला करते थे, क्योंकि उस टाइम पे पेन ड्राइव या फिर ब्लूटूथ का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। बट आजकल इसको हम ब्लूटूथ लगा के, बिल्कुल मॉडिफाई करके, आजकल भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस क्या क्या होने वाली है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका सर्किट आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, आजकल जितने भी होम थिएटर आ रहे हैं उसमें कॉमन 20-50 या 20-30 IC लगी हुई रहती है। बट इसमें जो IC लगी हुई रहती है, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सर्किट इस ऐसे होम थिएटर का और भी है, जो कि रिपेयर होने के लिए हमारे पास आया है। तो ये देखिए, इसमें IC का जो नंबर है LA 444-01, आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, 44-40, लास्ट में एक लगाना है बस। इसमें ये जो IC है, ये आप 44-40 में समझना, इसका नंबर दिखता सेम 44-40 की तरह है, लेकिन लास्ट में एक भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो 44-40-1 इसका नंबर है। तो हालांकि ये वाला किट हमने रिपेयर करना है, इसको तो हम साइड रखते हैं, बस आपको नंबर पढ़ाने के लिए उस किट का मैंने इस्तेमाल किया। तो इसमें वो वाली IC लगती है, देखिए 44-40-1। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं इसमें ब्लूटूथ आपको लगाना सिखाऊंगा। तो हमें क्या क्या यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें चाहिए। एक ब्लूटूथ इस तरीके का जो मॉड्यूल आता है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसका प्राइस आपके वहाँ कितना है मुझे कमेंट करके बताना। अब मैंने इसमें तीन वायर इस तरीके से जोड़े हुए हैं, थोड़ा सा जल्दी होगा इसीलिए, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि वीडियो आपकी लंबी होती है। तो मैंने पहले ही कुछ काम यहाँ पर करा हुआ है, इसमें वायर वगैरह जोड़ी हुई है। और एक यहाँ पर 78.05 वोल्ट का एक रेगुलेटर लेना है, जो कि हमारा 12 वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट को रेगुलेट करके सिर्फ फिक्स से 5 वोल्ट आउटपुट करता है। तो दो चीज़ें लेनी है जो कि बहुत ही सस्ते में आ जाती हैं। और होम थिएटर का जो पीछे वाला सेक्शन है, इसमें आपको दिखाऊंगा, ये आपका स्पीकर का सेक्शन है, लेफ्ट राइट का, जिसमें से आउटपुट आप स्पीकर यहाँ पर लगाते हैं, और दो यहाँ पर बच जाते हैं, जिसमें हमने आपको, आप जैसे इसमें AUX जो लगाते हैं ना मोबाइल से चलाने के लिए, अब उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बस इन दोनों पोर्ट का इस्तेमाल आपको यहाँ पर ब्लूटूथ लगाने के लिए करना है। और ये जो दो पोर्ट है, इनका जो यहाँ पर वायरिंग है, ये है बस, तीन यहाँ पर दी गई है। अब बीच का इसमें ग्राउंड होता है। तो जैसे मैं इस कार्ड को यहाँ पर कैसे फिट करूँगा आपको बता देता हूँ। ये मैंने इसी तरीके से बनाया भी है ताकि मैं इजीली इसको जोड़ सकूँ। तो देखिए, लेफ्ट एल आउट, ग्राउंड आर आउट, इसमें तीन पिन यहाँ पर दी गई हैं। तो बीच की इसमें ग्राउंड है, और इसमें भी बीच की ग्राउंड होती है, इसमें तीन पिन है, आप देखिए इसमें तीन पिन है, तो बीच की इसमें ग्राउंड होती है। तो जैसे इसमें है वैसे इसको इस तरीके से हमने जोड़ लेना है, कि तीन पिनों को यहाँ पर नीचे इसके साथ में हमें जोड़ लेना है यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि हमारा इसमें सिग्नल जाएगा। चलिए जोड़ के आपको दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने इस कार्ड को इस तरीके से, इसकी तीन पिन है, इसमें सोल्डिंग कर ली है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट, ये ग्राउंड, ये राइट, या ये लेफ्ट, ये ग्राउंड, ये राइट, लेफ्ट राइट, इसमें अदला बदली कोई सा भी चल सकता है, लेकिन ग्राउंड यानी कि बीच वाला इसके ग्राउंड यानी कि बीच से जुड़ जाएगा। और इसमें यहाँ पर इनपुट से ही जोड़ना है, ठीक है? इनपुट वाली जस्ट पीछे ये कनेक्टर इसका ही रहता है, इनपुट वाले का जो कनेक्टर है उसी का है। तो उसी में हमने इस तरीके से जोड़ दिया है, ठीक है? तो ये हमारे कनेक्शन इसके हो चुके हैं। अब इसके पीछे मैंने एक डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल किया है, ताकि इसको हम इसमें इजिली रख सकें। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, अब इसमें दो पिन और बची, हमारे तीनों के कनेक्शन तो हमने कर लिए, इसमें दो और बची हैं, वो कौन सी है? इसमें ज़रा देखिए, VCC एंड ग्राउंड, ये देखिए, ये एक VCC का बचा और एक ग्राउंड। VCC में 5 वोल्ट देनी है, ग्राउंड में हमें इसका 5 वोल्ट का नेगेटिव देना है। तो चलिए हम इसमें इसको जूम डाउन कर लेते हैं, और इसको हम पहले इसमें इस तरीके से रख लेते हैं। देखिए अब ये फिट हो चुका है इसमें, तो VCC और ग्राउंड हम इसमें देंगे। चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर है। तो ये जो रेगुलेटर है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। इसमें तीन पिन दी गई हैं रेगुलेटर में, ये हमारी 12 वोल्ट या जितना भी वोल्ट आपको आपके होम थिएटर के अंदर प्रेजेंट है, उतना आप इसमें इनपुट करेंगे, और यहाँ से आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगी। तो ये रेगुलेटर को हम सबसे पहले कहीं ना कहीं पर माउंट कर लेते हैं, वैसे ये जगह परफेक्ट है माउंट करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास यही वाला होम थिएटर है जिसमें IC सेम नंबर की है,
तो इसकी हीट सिंक बिल्कुल फ्री यहाँ पर होती है, इसकी हीट सिंक कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होती है। तो इसको आप यहाँ पर इसकी हीट सिंक में कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि फ्री स्पेस आपको आपको मिलता है। और अगर आपके पास अदर यहाँ पर 20-30 वाला होम थिएटर है तो इसको आप कहीं और जगह पर माउंट कर लेना, हीट सिंक पर माउंट मत करना, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, बाद में ये मत कहना कि आपने इसको हीट सिंक पर माउंट करने के लिए बोला था, मैंने उसी होम थिएटर में बोला है जिस होम थिएटर में यहाँ पर ये ना इस नंबर की ऐसी लगी हुई है। तो ये ऐसी अलग है, और बाकी 20-30 ऐसी वाले होम थिएटर में आप इसको कहीं और जगह पे माउंट कर लेना। तो अभी देखिए मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर लगा लिया है, पहले मैं इसको कस लेता हूँ सही तरीके से, ये देखो सही तरीके से इसको कस लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस रेगुलेटर को माउंट कर लिया है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले तो हम इसमें 5 वोल्ट वाले कनेक्शन कर लेते हैं। तो एक वायर मैंने इस तरीके से छोटी सी ले ली है, जैसे कार्ड में जहाँ पर हमारा VCC लिखा हुआ था उस वाले पॉइंट में हमने एक वायर को पहले जोड़ लेना है, VCC वाले में एक वायर को इस तरीके से जोड़ लेना है, क्योंकि वो 5 VCC में 5 वोल्ट उसको देनी है। और उस वायर का दूसरा सिरा हमें इस रेगुलेटर की लास्ट वाली पिन के साथ में जोड़ना है, यानी कि जो लास्ट वाली पिन ये वाली है इसके साथ में जोड़ना है, क्योंकि लास्ट वाली पिन से हमें इसके 5 वोल्ट मिलेगा। देखिए मैं इसमें पहले इस वायर को जोड़ लेता हूँ, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे समझोगे तो आपको ज़्यादा ये हार्ड नहीं लगेगा। तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ इस रेगुलेटर के लास्ट वाली पिन के साथ में। इस पिन के एक्स्ट्रा जो लेग है वो मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो VCC वाला पॉइंट था वहाँ से एक वायर मैंने उठाई और इस रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाली पिन से हमने कनेक्ट कर ली, क्योंकि इसको हमने 5 वोल्ट देना है तो रेगुलेटर की लास्ट वाली पिन से हमें 5 वोल्ट मिलेगा। अब देखिए इसमें हम दूसरे वाले में एक वायर और जोड़ लेते हैं, जिसमें कार्ड के जहाँ पर ग्राउंड लिखा होता है यानी कि GND लिखा होता है उस वाले पॉइंट में एक वायर और जोड़ लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। इस वायर को हम जोड़ेंगे इस रेगुलेटर के बीच वाले टर्मिनल से, इस बीच वाले टर्मिनल से जोड़ लेंगे, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, ये भी हमारा बीच का ही टर्मिनल से ही कनेक्ट होता है। चलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं, एक वायर और लेंगे हम, एक वायर और लेंगे जिसमें हमें फर्स्ट वाली वायर के साथ में हमें इनपुट करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, पर मैंने इसको पावर दे दिया है। अब देखिए हमें वोल्टेज कहाँ पर मिलती है, ये जो हमें ब्लैक प्रोब रखनी है वो रखनी है यहाँ पर ही, देखिए ये हमारा नेगेटिव का पॉइंट है और पॉजिटिव के इसमें 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉजिटिव का पॉइंट है जिसमें हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलेगी, देखिए कितना 16 वोल्ट मिल रही है, और एक पॉजिटिव का पॉइंट यहीं पर हमें मिलता है जो कि इस IC के लिए जा रहा है, ये वाला इस IC के लिए जा रहा है और ये वाला इस IC के लिए जा रहा है, यानी कि 2 IC इसमें लगी हुई है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये वाला है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहीं से एक वायर जोड़ देनी है, ठीक है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब आप इस तरीके से कस रहे हो तो बीच में ये जो आपने रेगुलेटर लगाया ना, ये रेगुलेटर इसके बीच में इतना स्पेस होना है, ये गलती से भी इस वाले ट्रैक के साथ में अटैच नहीं होना चाहिए, इस बात का याद रखना, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और इसको हम खिसका देंगे ताकि इसमें अटैच ना हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का पॉइंट है, गलती से इसमें अटैच नहीं होना चाहिए। चलिए ये काम हो गया हमारा, अब मैं फटाफट से क्या करूँगा, इस रेगुलेटर के फर्स्ट वाले टर्मिनल से मैं एक वायर यहाँ तक दे दूंगा, एक वायर सोल्डरिंग करके इस वाले के साथ, इस वाले ट्रैक के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। पर आप देख सकते हैं मैंने वायर जोड़ी इस वाले ट्रैक से, ये देखो इस वायर ट्रैक से हमने वायर जोड़ ली है, ये हमारी वायर जा रही है इस रेगुलेटर के फर्स्ट वाली पिन के साथ में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बार इसमें इनपुट होती है, इसके बाद यहाँ से हमारे निकलेगी 5 वोल्ट वाइट वाली वायर से, और ये हमारी इस कार्ड के VCC वाले पॉइंट में चली जाएगी या 5 वोल्ट वाले पॉइंट में चली जाएगी। अब हमने एक वायर यहाँ पर जो लगाई थी वो हटा दी, अब इसकी जगह पर हम दूसरी वायर लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसमें हम एक वायर इस तरीके से पहले जोड़ लेते हैं, ये देखो, ये देखिए एक वायर हमने इसमें सोल्डिंग कर ली है। अब वही वायर के को बीच से हमने थोड़ा सा कट करा हुआ है और हम इस रेगुलेटर के बीच वाली पिन के साथ में इसको सोल्डरिंग कर देंगे, बीच वाली पिन के साथ में इसको सोल्डरिंग कर देंगे, क्योंकि इस रेगुलेटर को यहाँ पर ग्राउंड भी चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए, यानी कि इसको चलने के लिए ग्राउंड की जरूरत भी पड़ती है। तो हमने इसको देखिए बीच वाली पिन के साथ में अटैच कर लिया है, और इसी वायर को हम जोड़ देंगे कहाँ पर, इस बोर्ड में जहाँ पर हमें ग्राउंड मिल रहा है या फिर जहाँ नेगेटिव मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इस वाले ट्रैक पर मिल रहा है जहाँ पर हमने चेक करा था मल्टीमीटर से। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं इस वाली वायर को, अगर आपको ये लंबी लग रही हो तो उसको कट कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा लंबी तो नहीं है, बस इसको यहीं पे हम सोल्डिंग कर देते हैं, हो गया बस काम, इतना सा काम था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला काम नहीं है, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पर वायर्स वगैरह देख लीजिएगा,
अगर आपको लग रहा हो तो इसको इधर उधर एडजस्ट कर लेना ताकि पिन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट ना हो। मैं थोड़ा सा इसको मोड़ लेता हूँ ताकि ये दूर दूर ही रहे, ज़्यादा पास में ना रहे। देखिए हो गया हमारा काम बहुत ईजी तरीके से, समझ गए? और एक बार और समझा देता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसमें देखना, समझना। अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट कर लेना। देखिए इस कार्ड को हमने यहीं पर इस तरीके से डबल साइडेड टेप की हेल्प से माउंट कर लिया है। अब कार्ड के जो लास्ट के तीन पॉइंट होते हैं, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड, तो यहाँ पर लेफ्ट, ग्राउंड और राइट, इन तीन को हमने यहाँ पर जो इसमें इनपुट वाला पॉइंट था, इसके पीछे जो कनेक्टर रहता है, इसके तीन पॉइंट से यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, यहीं पर जो हमें शॉर्टकट लगा कर लिया है, ताकि हिले ना, इसकी वजह से थोड़ा ही मजबूत भी रहेगा। अगला यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर बचे दो पॉइंट, एक हमारा VCC का या 5 वोल्ट का, इसकी इससे हमने एक वायर उठाई है, व्हाइट कलर की वायर, जो इस रेगुलेटर पे माउंट करी है सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे। और यहाँ से दूसरी वाली वायर उठाई हमने, ग्राउंड वाली, और इस रेगुलेटर के बीच के उसमें से कनेक्ट कर लिया है। और वहीं से एक वायर उठा के इस एम्पलीफायर या इस होम थिएटर के जो ग्राउंड जहाँ पर पॉइंट है उसको हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। और इसमें ग्राउंड ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, और या फिर आप मेन कैपेसिटर के माइनस से भी ले सकते हो, जो मेन कैपेसिटर आपको दिख रहा है ना, इससे माइनस से ले सकते हो, वही माइनस यहाँ पर घूमते हुए इस ट्रैक से यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर इस रेगुलेटर को इनपुट कराना है हमने 12 वोल्ट या जो भी हमें इनपुट इस वोल्ट के अंदर मिल रही है, तो हमने लिया कहाँ से, तो ये वायर हमने उठाई इस ट्रैक से ले लिया, ये ट्रैक हमारा इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट है। अब एक बारी मैं इसमें फाइनल टेस्टिंग कर लेता हूँ वोल्टेज की, एक्यूरेट वोल्टेज मिल रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस रेगुलेटर के बीच वाले टर्मिनल में यहाँ पर मैं लगाऊंगा इस वाले प्रोब को, और सबसे लास्ट वाले में लगाऊंगा इसको। तो देखिए लास्ट में हमें 497 496 करीब मिल रही है, यानी कि 5 वोल्ट ही इसमें मिल रही है, और फर्स्ट वाले टर्मिनल में हमें इनपुट में 16 वोल्ट समथिंग जो भी हमारे इसमें मिल रही थी वो आएगी, ठीक है। तो 5 वोल्ट हमें इसमें मिल रही है और ये बिल्कुल चालू कंडीशन में है। अब वायर वगैरह जो भी आपको दिख रही है उसको कहीं से भी सही से सही तरीके से दबा लो और इसमें डाल दो, बस हो गया जी काम, कुछ ही सेकेंड्स में ये काम हो चुका है। अब चलिए अब मैं पहले इसको ऑफ कर लेता हूँ, एक स्पीकर कनेक्ट करता हूँ, स्पीकर हमारे पास फिलहाल यही है, तो उसको मैं इस तरीके से पहले इसमें जोड़ लेता हूँ, लेफ्ट के साथ में जोड़ा है। अब मैं इसको ऑन करूँगा, तो चलिए वॉल्यूम फुल कर लेता हूँ, मैं सॉन्ग कोई भी प्ले नहीं करूँगा, सिर्फ ऑन ऑफ साउंड ही आपको सुनाऊंगा, कॉपीराइट्स की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इसकी वजह से मैं सॉन्ग प्ले नहीं करूँगा, बाकी जो मेथड बताया ना बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। चलिए ऑन करता हूँ, आप इसका जो पावर साउंड है वो सुनिएगा, ब्लूटूथ का, शायद आपने सुन लिया होगा। इसके ऊपर कुछ रख के आपको दिखा देता हूँ ये स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं, ताकि आप लोगों को लग जाए कि हाँ यही स्पीकर मैंने सुना है आपको, ये माइक जो मैं बोल रहा हूँ ना वही वाला माइक इसमें सुना रहा हूँ। ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, देखिए कैपेसिटर उछल के नीचे गिर गया, फिर ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये लेफ्ट का साउंड था और राइट में आपको दिखा देता हूँ, ऑफ करता हूँ फिर ऑन करता हूँ, देखिए परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। अब इसमें आप कोई भी सॉन्ग इजीली सुन सकते हैं, बस जो मैंने ट्रिक बताई है उसको सही तरीके से फॉलो कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप गलत वायरिंग करते हैं तो इसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वायरिंग करिए और इसी तरीके से पुराने ब्लूटूथ का इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।